हैं टुडे 24 न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ साक्षी निर्माण। आइए शुरुआत करते हैं आज की कुछ खास खबरों से। गुजरात के भरूच जिले के जंबूसर तालुका के सारोड गांव में VECL कंपनी द्वारा फैलाया जा रहा है पॉल्यूशन। कंपनी का केमिकल वाला दूषित पानी गांव के समुद्र किनारे पर पाइपलाइन के द्वारा फैलाया जा रहा है। ऐसे केमिकल युक्त दूषित पानी से अगल बगल गांव की खेती को नुकसान हो रहा है और केमिकल युक्त जमीन में उतरने से पीने लायक पानी भी खराब हो रहा है, जिसके विरोध को लेकर गांव के कुछ नागरिक और सरपंच के द्वारा जंबूसर प्रांत अधिकारी को आवेदन पत्र दिया गया और कंपनी के नए मैनेजमेंट के द्वारा 24 क्लाक केमिकल युक्त दूषित पानी छोड़ा जा रहा है और दरियाई जीव को भी नुकसान पहुँचाया है और समुद्र किनारे पर मरे हुए दरियाई जीव पाए हैं। केमिकल युक्त दूषित पानी से 150 मच्छीमारों का जीवन निर्वाह करना मुश्किल हो गया है। गांव के सरपंच और कुछ नागरिकों और मछुआरों के द्वारा प्रांत अधिकारियों को यह बताया गया है कि अगर आवेदन करने के बाद योग्य कार्यवाही नहीं हुई तो अहिंसक जन आंदोलन किया जाएगा। आवेदन पत्र देने में गांव के सरपंच इसाल भाई और तालुका पंचायत के प्रमुख और पूर्व प्रत्याशी किरण सिंह मकवाना और गांव के नागरिक और गांव के कुछ अग्रणी उपस्थित रहे। देखिए भरूच से रावल कांति भाई की ये खास रिपोर्ट।